हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बीए एंड बीएससी का मैथ सीक्वेंस एंड सीरीज़। सो आज सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में सीखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं सेट से। सेट क्या है? सेट की डेफिनेशन वैसे हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, तो आज फिर एक बार रिपीट करते हैं। सेट, सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब एक हमने कलेक्शन लेनी है ऑब्जेक्ट्स की, जो अच्छे से तो डिफाइंड हो, और मेन बात ये है कि ये डिस्टिंक्ट हो, यानी कि रिपीटेशन ना हो। जो सेट होता है उसके अंदर हर एलिमेंट अलग अलग होंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, और एलिमेंट्स 1, 2, 3 कोई भी रिपीट नहीं होगा, सभी के सभी अलग अलग होंगे। और सेट की दूसरी पहचान क्या है? इसे हम कर्ली ब्रेसिस से डिफाइन करते हैं, ये वाली ब्रेसिस। अगर कोई सेट डिफाइन करना है तो हम इनका यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं इंटरवल। इंटरवल्स क्या होते हैं? कि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और सेकंड होता है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की क्या डेफिनेशन है कि इसके अंदर अगर दो एलिमेंट्स को हम क्लोज इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं, देखो क्लोज इंटरवल के अंदर हम स्क्वायर ब्रेसिस का यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रेसिस ए एंड बी। इसके अंदर जो हमने दो ए एंड बी है, इसको अगर क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया है तो हम इसको भी काउंट करेंगे, और साथ में इनके बीच में जो भी सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे इस लाइन के ऊपर, ये एक रियल लाइन है, उससे भी हम डिफाइन करेंगे। यानी क्लोज इंटरवल का यही है कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, एक तो ए बी खुद कंटेन होते हैं, साथ में रियल नंबर्स है जो सारे के सारे ए बी के अंदर वो कंटेंट होते हैं। इसको हम यहाँ पर देखो डार्क किया है, ये क्लोज इंटरवल लाइन को डिफाइन कर रहा है। अगर लाइन पर डिफाइन करना है तो ऐसे करेंगे। और ओपन इंटरवल क्या है? इसके अंदर ओनली रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, सिर्फ ए और बी के बीच में जो रियल नंबर्स हैं वो आएंगे, ए और बी को हम काउंट नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल में। आगे बात करते हैं बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव क्या होता है? हमने कोई भी एक नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स जरूर होंगे, खाली नहीं होगा, नॉन एम्प्टी सेट, और वो जो सेट है वो सबसेट किसका है? रियल नंबर का, रियल नंबर्स के सबसेट है, यानी कि रियल सेट कह देंगे जो, उसका सबसेट एस ले लिया। वो बाउंडेड अबव कब होएगा? अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ले लिया उस सबसेट से, उस सबसेट से एक एलिमेंट लिया एक्स, और एक एलिमेंट हम कोई ले रहे हैं रियल नंबर से जिसका वो सबसेट है, तो जो वो एक्स है उस सबसेट के एलिमेंट के वन का लेस देन होगा। अगर उससे लेस देन हमें मिल जाता है तो हम कह देंगे ये क्या है? बाउंडेड अबव है। ये देखो लाइन से दिखाते हैं, एक रियल लाइन ली, अब ये सेट जो है रियल लाइन में कंटेन था, ये सेट हमने यहाँ तक है इतना सा सबसेट एस। अब इसके बाद हमें नंबर्स मिल रहे हैं K1, K2, K3, यानी कि अगर मान लो ये वाला हमारा कोई एक्स है, इस एक्स से ये K1 बड़ा होगा, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर अपर बाउंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये बाउंड है कोई, इससे बड़े और मिल रहे हैं, लेकिन सेट से बिलोंग नहीं कर रहे, ये तो सेट से बिलोंग कर रहा है एस से, लेकिन ये सेट से बाहर है, तो ये सारे इसके क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। और अपर बाउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ? K1 अगर मिला है तो K1 इज़ अपर बाउंड ऑफ एस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर लगा लो 1, 2, 3, 4 सेट के अंदर है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, पहले अनबाउंडेड की बात कर लेते हैं। अनबाउंडेड बो, इफ़ वी कैन नॉट फाइंड रियल नंबर K1, अगर हमें कोई रियल नंबर K1 ही नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ पर मिल रहा था हमें, अगर नहीं मिल रहा तो अनबाउंडेड अबव हुआ। अब बाउंडेड अबव का एक ये एग्जांपल लिया है, एक सेट ले लिया हमने एस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5,
ये एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स। अब जो ये सेट है किसके अंदर कंटेंड है, रियल सेट के अंदर, जो रियल नंबर का सेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये सेट है, यू लगा लो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 पॉइंट आएंगे और यहाँ पर 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी चलेगा। तो 5 इसका क्या होगा, अपर बाउंड। अपर बाउंड क्यों, 5 इन सब में सबसे बड़ा है तो ये अपर बाउंड हुआ। अब अपर बाउंड के अलावा हमें 6 7 8 9 बहुत सारे मिलेंगे तो ये भी सारे अपर बाउंड हुए, लेकिन जो ये 6 7 8 है इसमें से बिलोंग नहीं कर रहे और अपर बाउंड भी है, ठीक है। क्योंकि देखो ये बाउंड तो ये हो गया इसका, अपर बाउंड एक मिला, लेकिन सेट से बाहर हमें जो ये अपर बाउंड्स मिल रहे हैं तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि ऊपर की तरफ मिल रहे हैं, यानी कि बड़े मिल रहे हैं सब। अब एक एग्जांपल लिया है अनबाउंडेड अबव का, यानी कि वो अनबाउंडेड अबव मतलब कि वो उसके पास बाउंड ही नहीं है पहली बात तो, यानी कि हमारे पास अगर बाउंड ही नहीं है तो फिर वो बाउंड से अबव कैसे कहेंगे। तो जैसे कि हमने एक ले लिया नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, पूरा नेचुरल नंबर का है 1 2 3। अब इसके अंदर हमें कोई बाउंड ही नहीं मिल रहा, तो बाउंड ही नहीं मिलेगा तो बाउंड से अबव की बात ही क्या होगी, इसलिए क्या है इट इज़ नॉट बाउंडेड, तो इसलिए नॉट बाउंडेड अबव। आगे है बाउंडेड बिलो सेट, अब उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट लिया और ये सबसेट किसका है, रियल नंबर्स का। सो हमने एक एलिमेंट लिया एस में से, ठीक है, और एक एलिमेंट ले लिया आर से। अब जो एक्स का एलिमेंट है वो आर के एलिमेंट से बड़ा होगा, उससे बस उल्टा ही है ये। तो जैसे कि मान लो ये सेट है, सेट के अंदर अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मिल गया हमें, सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर, अगर बिलो की बात हो रही है तो ये सबसे छोटा एलिमेंट उस सेट का ले लिया, उस सेट के छोटे एलिमेंट से उस सेट से बाहर हमें और भी छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि ये तो बाउंडेड बिलो हुआ, सबसे छोटा एलिमेंट होना बाउंडेड बिलो, लेकिन वो और भी छोटे बाउंडेड बिलो नहीं, लोअर बाउंड कहेंगे, लोअर बाउंड से और भी लोअर मिलेंगे, और भी छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो हम उसे कहेंगे बाउंडेड बिलो, ठीक है। तो जैसे कि हमें कोई K1 मिल गया, मान लो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 हैं और यहाँ पर हमें 0 मिल गया, फिर -1 मिल गया, तो 1 तो 0 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 हुआ या 0 हुआ, तो फिर ये क्या हो गया, हमारे पास लोअर बाउंड मिल गया, ये क्या है, K1 इज़ लोअर बाउंड। अब आगे -1 हुआ तो K1 K2 से बड़ा होएगा, तो फिर ये भी सभी क्या होंगे, सारे लोअर बाउंड्स होंगे। अब देखो हमारे पास अगर लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो तो वो बन जाएगा बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट क्या है, कोई एस कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। एस इज़ बाउंडेड इफ़ इट हैज़ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, इसके पास अपर और लोअर बाउंड्स दोनों होंगे। यानी कि देखो अपर बाउंड के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि हमारे पास कोई K2 मिल रहा है हमें जो x से बड़ा हो, और लोअर बाउंड के लिए क्या कंडीशन होगी, कोई भी K1 मिल रहा है जो x के जो s का एलिमेंट है उससे छोटा हो, ठीक है। तो फिर यानी कि हमने कोई सेट डिफाइन कर लिया और वो ये सेट किसके ऊपर है, रियल लाइन के ऊपर, जो K2 एलिमेंट है वो सेट से बाहर है, लेकिन ये K2 इसका अपर बाउंड है, और ये K1 भी सेट से बाहर है लेकिन K1 क्या इसका लोअर बाउंड है। तो अपर बाउंड मिला, लोअर बाउंड मिला, दोनों मिले तो हमारा क्या हो गया, बाउंडेड सेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, हमारे पास कोई भी सेट होएगा उस सेट का जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होएगा वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, कोई भी K है सेट से वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कब होगा, जो वो सभी नंबर्स से बड़ा होगा। अगर मान लो हमारे पास कोई सेट दे दिया S, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 10, 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, 10 होगा। तो इजी थी ये डेफिनेशन। आगे बहुत से स्टूडेंट्स लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम इसमें कंफ्यूज होते हैं, लिस्ट अपर बाउंड
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इन्फीमम, इन वर्ड्स में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इससे अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत यूज़ होती है। सो लीस्ट अपर बाउंड, पहले डेफिनेशन को समझते हैं। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, अपर बाउंड मतलब जो हमारे पास बाउंड्स में जो अपर बाउंड होएगा। बाउंड दो टाइप के होते हैं, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो जो हमारा अपर बाउंड है, बाउंड्स हमें अपर बाउंड्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो हमारा होगा सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड। तो एस कोई भी क्या ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट, और वो एस क्या है, सबसेट है रियल नंबर का। सो यू अब क्या करेंगे, यू कोई एलिमेंट लिया एस का, क्योंकि हम सेट एस से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एस को ही हमने बाउंडेड दिखाकर लिस्ट अपर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड हमें देखना है। तो यू इसके लिए क्या कंडीशन होगी, पहली बात तो यू कब बनेगा लिस्ट अपर बाउंड, जब यू पहली बात तो अपर बाउंड हो, सबसे पहले यू को अपर बाउंड देखना है। फिर उसके बाद देखना है कि अगर हमारे पास कोई और अपर बाउंड मिल रहा है, अपर बाउंड कोई और मिल रहा है, तो फिर वो क्या हो, यू से बड़ा हो, ठीक है, क्योंकि लिस्ट यू को हमने लिस्ट दिखाना है, छोटा दिखाना है, यानी कि जो भी अपर बाउंड्स मिलेंगे वो यू से क्या होंगे, बड़े होंगे, और यू सबसे छोटा होगा तो हम सिलेक्ट कर लेंगे कि यू हमारा लिस्ट अपर बाउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कोई भी सेट ले लिया, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, इसका अपर बाउंड 5 है। अब हमें क्योंकि वो एस जो है रियल नंबर का सबसेट है, तो हमारे पास अपर बाउंड्स और भी मिलेंगे, 6, 7, 8 सारे अपर बाउंड्स हैं, लेकिन 5 जो हमें अपर बाउंड मिला था इन सब से छोटा है, इसलिए 5 क्या बन गया, लिस्ट अपर बाउंड। और क्या है ये, अब देखो इस 5 के अलावा हमें कोई भी और अपर बाउंड नहीं मिलेगा जो सबसे छोटा हो, क्योंकि यहीं से हमारे अपर बाउंड स्टार्ट होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है, यूनिक होता है। ये इसकी एक डेफिनेशन भी बन गई कि लिस्ट अपर बाउंड इज़ यूनिक। सो नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और इन्फीमम। सो एस कोई भी है नॉन एम्प्टी सेट, और वो किसका है, सबसेट है रियल नंबर का। अब इसका एलिमेंट को हमने क्या दिखाना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और लोअर बाउंड यानी कि हमें कई लोअर बाउंड मिलेंगे, और उन सभी लोअर बाउंड्स में से हमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे, एल कोई भी क्या है, एलिमेंट है, किसका, इस सेट का एलिमेंट लिया। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब होएगा, अगर एल क्या हो, सबसे पहले लोअर बाउंड हो, और अगर हमें कोई भी और लोअर बाउंड मिल रहा है तो वो एल से छोटा हो, क्योंकि हमने एल को बड़ा दिखाना है सभी एलिमेंट लोअर बाउंड से, ग्रेटेस्ट दिखाना है, इसलिए कोई भी अगर एलिमेंट मिल रहा है तो एल से क्या हो, छोटा हो। अब इसे एग्जांपल से देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 हैं, इसके अंदर अगर हमें लोअर बाउंड ढूंढना है, तो लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा, तो 1 हमारा लोअर बाउंड होएगा, और इससे छोटे और लोअर बाउंड्स क्या मिलेंगे, 0, -1, -2, लेकिन सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या हुआ, 1, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।